इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। इत्तेहाद न्यूज़ मुस्लिम माशरे के मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डालने की कोशिश करता है। हम कोई उलमा कराम वगैरह नहीं है। जो भी हमारी समझ में आता है, जो नज़र आता है, उस पर हम बात करने की कोशिश करते रहते हैं। हो सकता है कि इसमें कहीं खामियां गलतियां भी हो सकती हैं, लिहाजा बोलना ज़रूरी है और मसाइल को सामने मंजर आम पर लाने की कोशिश एक हमारी एक कोशिश है जिसे लोगों की तरफ से सराहा भी जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि हमारी भी इसमें कुछ गलतियाँ हों। मुस्लिम माशरे में आती तब्दीली यकीनी तौर पर सोचने पर मजबूर करने वाली है। आखिर क्यों हम इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, आखिर किसे जिम्मेदार समझे? कोई भी हमारा रहबर नहीं रहा और ना हम कुरान और हदीस के रास्तों को अख्तियार करना चाहते हैं। जिंदगी इतनी तेज़ रफ्तार अगर बढ़ रही है, हमारे लिए कुछ देर रुककर हमारा वजूद, हमारी अखलाक की जिम्मेदारी, आखरत, नबी की मोहब्बत, इस्लाम, मुसलमान अब शायद कोई मायने नहीं रखने लगा है। किसी तरह से बेहतर ज़िंदगी जीना, फिर उसके लिए हलाल और हराम की कोई तमीज़ ही नहीं रही। जुमा की नमाज में मस्जिदें भर जाती हैं, फिर असर से दूसरे जुमा की फजर तक वही दो चार सफ़े, कभी कभी तो सिर्फ मौज्जन और इमाम ही रहते हैं। अगर बारिश तेज़ है या कुछ सर्दी शदीद है तो फिर उसमें भी कमी आ सकती है। लिहाजा यह तो वह हुकूक है जिसको खुदा ने हम पर फ़र्ज करार दिए गए, पर कुछ माशरे में हुकूक अदा करने पड़ते हैं। पड़ोसियों के बारे में इतनी सख्त हिदायतें हैं पर अमल नहीं करते। शायद ही कोई मुसलमान होगा जो अपने पड़ोसियों से हुस्न सुलूक से पेश आता होगा। अक्सर यही देखा गया है कि बद अखलाकी का मुजहरा करते हुए झगड़ा करते हैं। कुछ औरतें जिन्हें माशरे की इज्जत, घर की इज्जत, हया मंसूब रहती है, सरेआम बदकलामी करती रहती है। कहीं पर भी हमें किसी दिन अखलाकी माशरे के अच्छे बुरे मसाइल को लेकर एक जगह पर बैठकर संजीदगी से तबादले ख्याल करते देखा हो? अगर कहीं बैठे हैं तो किसी के तलाक को लेकर या किसी घरेलू झगड़े को लेकर, अच्छे कामों के लिए, खासकर मुसलमानों के मुस्तकबिल को लेकर कोई जमात, कोई मसलक बैठा हो। अगर कोई जमात बैठती भी है तो मखसूस जमात के अफरादों के बारे में सोचेंगे जिसमें भी कई सारे अख्तलाफात रहते। आखिर ऐसे वक्त में क्या किया जाए? क्यों हमारे जिम्मेदार इस पर सोचना नहीं चाहते? आखिर मोहल्ले की जमात में चार अफराद भी आपस में इत्तफाक नहीं रखते। उम्मत किस इम्तिहान के दौर से गुजर रही है पर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर कोई अपना बड़प्पन जाहिर करना चाहता है, गोया अपनी बेइज्जती समझता है। इसलिए खासकर बेलगाम में आप किसी से भी गुफ्तगू कीजिए तो बेलगाम के अंदाज में कहेगा कि तुम्हें तो मालूम ही छह मैं कैसा हूँ, या फिर तुम्हें तो मालूम ही छह हमें कैसे ही सो, तुम्हें तो देखे ही तो हमें कैसे ही सो। अपने आप को अगर ये इल्मी दानिश्वर समझता है तो वो कहता है कि हमारे सामने तो कोई भी खड़ो था नहीं, या अच्छे अच्छे अलिमा को भगा तुम्हें, मेरे सामने आको खड़ो दे तो, या फिर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि कैसा भी शाना मौलाना आन दे तो बता दें, मैं दो बातें बताया तो बोला तो भाग को जाता है। यानी कि कैसे हिमाकतों में उलझे हुए हैं हम लोग के और कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ बेलगाम के मुसलमानों का मसला नहीं है, तकरीबन माशरा इसी खुराफात में मुबतला है। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, ना किसी के ताबे रहना चाहता है। अगर जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? दुनिया परस्त दीनी रहनुमाओं को की चहल पहल ज्यादा हुई है। मिल्लत का अक्सर तबका किसी के मातहत ही रहना नहीं चाहता, हर कोई आजाद रहना चाहता है। कुछ जमात के मातहत चलने वाले अफराद हैं, वह भी मसल के मसाइल में उलझकर मिल्लत के दहकते मौजू पर बात ही नहीं करना चाहती, या डरते हैं कभी भारत के संविधान के तहफ्फुज की बात होगी और ना ही संघी विचारधारा की बात होगी, या एनआरसी पर बात होगी तो कौन से कागजात हमें जमा करना है, इतना ही मस्जिदों के मेंबर से आवाज लगाई जाएगी। पर कभी संघी विचारधारा और यहूदी आरएसएस के संघ के नागपुर मरकज, जहां पर मुस्लिम मुखालिफ साजिशें कैसे रची जाती है, या तो फिर तेल अवीव में इसराइल दहशतगर्द को कैसे अंजाम देता है, इस पर कभी हमारे जिम्मेदार नहीं बताएंगे। क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए, कहीं पुलिस हमारी तफ्तीश ना करे। मस्जिदों में खुतबा तो अल्लाह से डरने का दिया जाता है पर खुद फिरका परस्त से डरे हुए रहते हैं। कभी बताओ कि किसी मस्जिद में मुसलमानों के मौजूदा हालात पर बता दिया हो जिसमें संघी विचारधारा देश में जमहूरियत को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इस पर बात किए हो। जंग आजादी में उलमाओं ने कुर्बानी पेश करने के तो वाकिए सुनते हैं पर कभी आपने बाबरी मस्जिद पर तफसीलात का बयान सुना है? कब्र हशर की बात तो हर जुमा में
बचपन से सुनते आ रहे हैं, वही बयान सुनते हुए कई लोग कब्र में जा पहुंचे। कभी मौजूदा हालात में मॉब लिंचिंग पर सैकड़ों नौजवानों को मजहब की बुनियाद पर मारा गया और इसका इलाज पर कभी कोई मौलाना बताता हुआ हमने तो देखा नहीं है। बड़े ही ढके छिपे अंदाज में वही बातें कही जाती हैं। क्या मस्जिदों में हालात हाजरा पर बयान करना हराम करार दिया गया है? फिर यह आखिर क्यों बयान नहीं किया जाता? हालात पर इसलिए भी बयान करना जरूरी है क्योंकि मुस्लिम माशरे में अक्सर तबका पढ़ा लिखा नहीं है, मीडिया पर नजर रखने वाले नहीं है, उसमें भी कम है, अखबार पढ़ने की आदत हमारे लोगों में नहीं है, लिहाजा मस्जिदों में जुमा के रोज देश के बदलते हालात का जायजा लिया जाए। कई सारे लोगों को तारीख का पता नहीं। टीपु शहीद की तारीख को समझाया जाए, बुजुर्गों की तारीख को बयान किया जाए। आज तो संघी विचारधारा के लोग सब कुछ बदल देना चाहते हैं ताकि आने वाली नस्ल तारीख को ही भूला जाए, और जो कौम अपनी तारीख अपने असलाफ की दास्तानों को नहीं जानती वह गुलाम बनकर इस दुनिया से उठाई जाती है। लिहाजा मस्जिद मिल्लत की पार्लियामेंट है, यहाँ पर गैरों को भी बुलाकर बिठाया जाता कि जो गलतफहमियां मस्जिद को लेकर फैलाई जा रही है सबके सामने वाजे हो जाए। लेकिन अफसोस दर अफसोस हमें सिर्फ अपनी जिंदगी इत्मीनान से गुजारने पर पड़े हैं। फिर वह जानने वाले हो या जाहिल, वो हलाल हराम की तमीज किए बगैर किसी हाल में अमीर बनना चाहते हैं। मामलात में तो हम इस कदर गिरे हुए हैं कि किसी का भी हक मारना अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। माँ बाप के हुकूक तो छोड़िए, बूढ़े वालिदैन बच्चों के गुस्से से डरे सहमे रहते हैं। उम्मत पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जो मर रहा है, जो मुकदमे में फंसा हुआ है, जो घर मुतासिर हुआ है वही परेशान है। लिहाजा मुझे इससे क्या वाली जहनीत हर घर में पनप रही है। लोग अखलाक को नहीं माल को देख रहे हैं। इंतखाबात में भी अच्छे पढ़े लिखे दीनदार कौम की भलाई करने वालों को इसलिए वोट नहीं दिया जाता क्योंकि इलेक्शन से पहले वोट के लिए पैसे नहीं मिलते। लिहाजा सिखाया भी यही जा रहा है और एक नस्ल पूरी इसी जहालत में जवान हुई है। इस पर इसी तरह की तरबियत की गई, जाहिर है घर के लिए, कौम के लिए और देश के लिए वबाले जान ही बनेगा। जहालत की तरबियत देकर अल्लाह का वली बनने की उम्मीद बेकार है। जरूरत है इसी माशरे में नई रोशनी के चराग जलाने की। जो भी है, जैसा भी है, इसी माशरे में रहना है। सिर्फ बुरा कहकर तंज करने से माशरे में तब्दीली नहीं आ सकती। लिहाजा अपने घर से ही हालात में उम्मत को कैसे संवारा जाए इस पर कोशिश की जाए। काम मुश्किल है और हम कयामत के आखिरी मरहले में जी रहे हैं। हालात के बारे में पहले से ही बताया गया है। मुनाफिकत जोरों पर है, हिकमत की आड़ में बुजदिली छिपाई जा रही है, हिकमत की आड़ में ईमान का सौदा किया जा रहा है, हिकमत की आड़ में दायरे इस्लाम से हट जाना गलत नहीं समझा जा रहा है। टीपू का वह कौर मुझे बार बार हमारे बुजुर्गों की याद दिलाता रहता है कि गिदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, और अहले ईमान यहाँ बतौर इम्तिहान का दुनिया में आए हैं। कई फिरौन इस दुनिया में आए और गए, लेकिन जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया और अपने हदफ पर जमे रहे, कामयाब रहे। इस्लाम में बुजदिली के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। पर यह उन लोगों के लिए जो हर हाल में अपनी बात पर रहते हैं। पर आज मुशरिकीन की तरह मोमिन 1000 साल जीने की तमन्ना कर रहे हैं। गुनाह करने पर दिल लरज नहीं रहा, कईयों ने तो गुनाह को नेकी के जमन में लाना भी शुरू कर दिया। 2000 का नोट हफ्ते में बिला झिझक डीमार्ट बिग बाजार में खर्च करने वालों की तरफ मस्जिद का डिब्बा जुमा के रोज बड़े बेबसी से देखता रहता है, जिसे बिना पैसे डाले हर कोई धकेलता रहता है। ऐसा लग रहा है कि हमने काम ही कुछ ऐसे किए हैं जिसके नतीजे भी हमें खुद भुगतने होंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।